सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में अब मीडिया की भी एक अलग तरह की क्रांति हुई है। पहले एक ज़माना था जब पत्रकार सिर्फ और सिर्फ अखबारों के हुआ करते थे, फिर टेलीविज़न आया, लेकिन अब डिजिटल मीडिया एक अलग नाम आया जो ख़ास करके यूट्यूब चैनल से रिलेटेबल है। आपको बताएं कि आज उसी की मजबूती के लिए अररिया ज़िला के फरबिसगंज अनुमंडल में डिजिटल प्रेस क्लब अररिया के बैनर तले डिजिटल मीडिया पत्रकार की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अध्यक्षता चुनी गई कि कौन अध्यक्ष बनेंगे, कौन कुशल अध्यक्ष बनेंगे। आपको बता दें कि बैठक में पत्रकार के साथ हो रही समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। साथ ही साथ तमाम जो पत्रकार बंधु वहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने मिलजुल कर एक साथ एक ही स्वर में जूटता का परिचय दिया। आपको बता दें कि इस मौके पर बहुत सारे मीडियाकर्मी वहाँ मौजूद थे, जिसमें विकास जी जो कि नज़रिया न्यूज़ संपादक हैं, साथ ही साथ राजीव जी हैं जो कि नव बिहार 24 से हैं, साथ में त्रिभुवन जी थे और शुभम कुमार जो कि पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार उनका अपना एक चैनल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंदुस्तानी मीडिया टीम के मेम्बर भी वहाँ मौजूद थे, जिसमें परवेज़ आलम साहब हैं, इस्तखार आलम साहब हैं। देखिए इस मीटिंग के बाद क्या कुछ बातचीत हुई है। जेपी भवन में डिजिटल पत्रकार संघ का बैठक रखा गया, तो इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया और इसके बारे में आप बताइए सर। इसमें बहुत सारा निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो भी जो पेपर के पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार हैं, वो आज तक हम लोगों को डिजिटल पत्रकार को एक स्थान देने का काम ही नहीं किए हैं। सौतेला व्यवहार रहा है, सिर्फ खबर को उठाने के लिए ही हम लोग रखा गया है और उन्हीं से वो काम करवाया जा रहा है। जिला स्तर पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग का मौलिक अधिकार कुछ नहीं है, जिसको लेकर के आज भी प्रेस वार्ता वो लोग कर रहे हैं जो हम लोग को अनभिज्ञ रखे हैं। तो इसको लेकर के हम लोग सभी डिजिटल जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी विभिन्न विभिन्न चैनलों के जो भी पत्रकार हैं, सब लोगों ने एक बैठक करके एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश की है और हम लोग सब लोग बैठे हैं। इस बार बैठ करके हम लोग अध्यक्ष, सचिव, संरक्षण, कोषाध्यक्ष सभी के पद पर निर्णय लिया और इसको आगे के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए भी हम लोग जा रहे हैं और कल का भविष्य डिजिटल ही है, ये वो लोग भी मान लें, क्योंकि बिना डिजिटल का कुछ नहीं होगा। इस बैठक में आपको कुछ पद भी दिया गया, उसके बारे में सर बताइए। जी, हमको संरक्षण के पद पर दिया गया है और मैं अपना पद की गरिमा को देखते हुए उनके जो पद की गरिमा हमको दी गई है उस पर हम खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। ये हमारे राजीव सिंह जी और इन्हें भी आज डिजिटल बैठक में आज इनको भी कुछ पद दिया गया है, तो सर आप अपने बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। मुझे आज डिजिटल प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है और मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि अपने सभी साथियों के हर संभव प्रयास रहेगा कि उसके जिस तरह का भी कोई समस्या आए उस पर समय हम उपस्थित होकर उसका समाधान करने का निर्णय। बनने से पूर्व भी आप और विकास प्रकाश जी हर जगह एक साथ ही दिखते हैं, क्या कारण है? जी, एक तो हम लोग बचपन के मित्र भी हैं और इस लाइन में हमारे गुरु भी हैं और हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़े लिखे, इसलिए एक साथ हमें देखते हैं। क्या लगता है संगठन को कितनी मजबूती मिल पाएगी? आप दोनों के इस संगठन में अच्छे पद पे आप लोग हैं, तो कैसा मतलब रहेगा आगे, संगठन किस तरह से चलेगा? हमारा तो प्रयास रहेगा कि संगठन को हम वर्षों तक ले जाएं, ये कभी टूटे नहीं, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है हमारी कमेटी की सभी व्यवस्था हो, इसके बाद डीएम एसपी के पास हमारा लेटर जाएगा, हमारे जिले में जितने भी पत्रकार हैं उसका बाजाप्ता हम लिखित अब डीएम और एसपी को सूचित करूंगा कि हमारे संघ के इतने सदस्य अररिया जिले में काम कर रहे हैं, जिसे किसी तरह की परेशानी होती है उसमें उसको सहयोग मिल सके। कितने लोगों की उपस्थिति हुई आज की बैठक? जिला के करीब करीब सभी संवाददाता यहाँ पत्रकार उपस्थित रहे। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे।